बड़ी खबर सिवान से, जहां सिवान में चोर बेखौफ होते जा रहे हैं। आए दिन चोरों द्वारा कभी घर में तो कभी दुकान में तो कभी मंदिर में चोरी की घटना का ताबड़तोड़ अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस खाली हाथ रह रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के शेखर सिनेमा के पास संतोषी माता के मंदिर की है, जहां चोर माता के दरबार में चोरी की घटना का अंजाम दिया है। चोर माता के मंदिर के मेन गेट का ताला तोड़ संतोषी माता के मुकुट, कंगन, नथुनी सहित लाखों रुपए के आभूषण सहित दान पत्र को काट पैसे की चोरी कर ली है। इस मंदिर में ये कोई पहली चोरी की घटना नहीं, इससे पहले भी चोर इस मंदिर में पांचवी बार चोरी की घटना का अंजाम दे चुके हैं। इस मंदिर में लगातार हो रहे चोरी से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, तो वही पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल घटना के बाद पुलिस मंदिर में पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी है। वही पुलिस गश्ती में नाम पर थाना पूर्ति करती है। चोरों ने कब की सब घटना का अंजाम दिया? तो आज रात्रि की घटना है। अब ये सुबह पंडित जी आए हैं, फोन मंदिर खोलने आए तो पता चला है कि मंदिर में चोरी हो गई है। हम लोग तुरंत आए हैं, देख रहे हैं कि मंदिर तोड़ा गया है, उधर का छड़ रॉड वगैरह तोड़ के मंदिर को चोरी की गई है, लाखों रुपये का गहना चोरी हो गया है। ये कई बार इस मंदिर में हो गया। ये सरकार और पुलिस प्रशासन किसी काम ही की नहीं आ रही है कि हमेशा हमेशा बर्दाश्त हो रहा है। इसी बार ये लेकर कब कितने बार हो चुका है? ये लेकर हमको लगता है कि चार या पांच बार हो चुका चोरी। मतलब क्या क्या चोरों ने क्या क्या ले गया यहाँ से? चोरों ने टीका था, मंग टीका था, कंगन था, हार था, मुकुट था, ये लाखों रुपया का गहना था जो माँ के ऊपर चढ़ा हुआ था, उन्होंने चुरा लिया। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस अभी आई है। दान पत्र में भी पैसा था, वो भी गायब है। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। संजय कुमार।